अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यारों, इस वीडियो में हम जनरल मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। जनरल मेडिसिन मतलब अभी हमको किस तरह के मेडिसिन अभी जनरली चाहिए, इनका इस्तेमाल हमें चाहिए हमारे लाइफ के अंदर, ओके। जैसे कि डोलो 650 हो या और किसी भी तरह के इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हो या मेडिसिन हो, इस वीडियो के अंदर तमाम जानकारी मैं देने वाला हूँ दोस्तों। शॉर्ट एंड स्वीट जानकारी है, बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। ज़रूर ज़रूर दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा, और ये फार्मेसी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इतना तो पता रहना है दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोलो 650 की। डोलो 650 अभी पिछले दो या तीन साल से अफरा तफरी मचाया है फार्मेसी इंडस्ट्री के अंदर। क्यों डोलो 650 उतना इंपॉर्टेंट है, देखिए डोलो 650 नथिंग बट पैरास्टामोल 650, ओके। इट इज़ यूज्ड इन फीवर, बुखार, इंसान को अगर बुखार चढ़ गया या फीवर है या सर में दर्द है तो डोलो 650 बेहतर काम करता है दोस्तों, ओके। सर दर्द में भी ये पैरास्टामोल हम दे सकते हैं, ये काम करता है। मॉडर्न पेन किलर भी आप कह सकते हो। देखिए अदर ब्रांड्स जैसे कि डोलो 650 के अलावा पैरी जैसे कि 650, कालपाल 650, मेडामोल 650, ये तमाम सब्स्टिट्यूट है डोलो 650 के, ठीक है दोस्तों। और यही डोलो 650 कोरोना के टाइम में लाखों करोड़ों सेल हो चुके हैं। माँ के समय ऐसा भी आ गया, ये इंडस्ट्री में ख़त्म ही हो गए लेकिन ज़रूरत बहुत है इसकी, ऐसा भी समय आ गया है। ये इम्पोर्टेंस है डोलो 650 का। और पैरास्टामोल के तरह दूसरा कौन सा भी टैबलेट नहीं जो फीवर को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। दूसरे है मेफेनेमिक एसिड, लेकिन पैरास्टामोल जैसा इफेक्टिवनेस नहीं है उसका, पैरास्टामोल जैसा वो एक्यूरेसी नहीं है उसका, उतना जो ट्रुथनेस है ना रिजल्ट उतना दूसरे टैबलेट में नहीं मिलेगा। ये थी डोलो 650 की हिस्ट्री। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये है हमारा भाई सिनारेस्ट। सिनारेस्ट के अंदर जो कंटेंट रहता है ना दोस्तों, पैरासिटामोल, फिनलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफिनरामाइन मियालेट। देखिए पैरास्टामोल जैसे कि बुखार के लिए दिया जाता है, फिनलफ्राइन या क्लोरफिनरामाइन मियालेट हो, ये जो है ना एलर्जिक कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है दोस्तों। अगर आपको बहुत सारा जुकाम है, सर्दी है या बुखार है, तीनों जमा करके है आपको, तभी सिनारेस्ट हम ईजिली दिन में 3 बार ले सकते हैं विद द डॉक्टर सुपरविजन या फार्मासिस्ट के अंडर में। देखिए बहुत ज़बरदस्त काम करता है ये, अगर आपको जुखाम बुखार या एलर्जी हो, बहुत ज़बरदस्त। देखिए बेसिक मैं बताता हूँ आपको, सिनारेस्ट अगर बुखार भी ले सकते हो, सर्दी भी एलर्जी भी है, तभी भी आप सिनारेस्ट को ले सकते हो दोस्तों। और देखिए ये सिनारेस्ट जो है ना, इट इज़ अवेलेबल एज सिरप्स, टैबलेट्स, ड्रॉप्स में भी ये आपको अवेलेबल रहता है दोस्तों। ड्रॉप्स अक्सर हम जो 1 साल के बच्चे मतलब 1 साल के अंदर जो बच्चे रहते हैं ना, उन्हें हम ड्रॉप देते हैं, क्योंकि उसका डोज जो रहता है ना कम रहता है, ओके। ये टैबलेट जो है ना एल्डरली लाइक 12 इयर्स प्लस उनको देते हैं। सिरप्स मतलब 12 इयर्स के अंदर को हम बेसिकली सिरप्स प्रोवाइड करते हैं 5 ml 3 times a day, ओके। सब्स्टिट्यूट इसके अलावा भी सोलिन कोल्ड है, विकोरिल है और फ्लू कोल्ड भी है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा आपको किस तरह का फ्लू कोल्ड रहता है, सोलिन कोल्ड रहता है, वो भी दिखाऊंगा दोस्तों। चलो उसकी भी एक बार पहचान कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, ये जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये इसी के भाई है, सिनारेस्ट के भाई है, सोलिन कोल्ड सेम कंटेंट है इसके अंदर भी, फैब्रिक्स प्लस के अंदर भी सेम कंटेंट है दोस्तों। मैंने आपको बताया था सिनारेस्ट के सिरप फॉर्म में अवेलेबल रहता है, फ्लू कोल्ड भी एक सिनारेस्ट का सब्स्टिट्यूट ही है दोस्तों। आप दोनों के अंदर किसी भी एक ड्रग सेम दोनों का एक ही काम है, जो जुकाम हो, सर्दी हो या बुखार को ट्रीट करने में दिया जाता है। ये थी दोस्तों सिनारेस्ट की छोटी सी कहानी। नेक्स्ट बात करते हैं हम डोलोकाइंड प्लस की। डोलोकाइंड प्लस देखिए दोस्तों, ये एक पेन किलर है, पेन रिड्यूसिंग एजेंट है, ओके। पेन मॉडरेंट है, ओके। सभी तरह के दर्द का ट्रीटमेंट है ये डोलोकाइंड प्लस। इसके अंदर जो कंटेंट रहते हैं ना, इसिक्लोफिनेक और पैरास्टामोल स्टोर करा रहता है ये डोलोकाइंड प्लस है। अगर हम इसके सब्स्टिट्यूट की बात करें दोस्तों, जीरोडॉल पी मिलता है, हाइफिनेक पी मिलता है, डोलोविन प्लस मिलता है। इनके इमेजेस मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने वाला हूं दोस्तों। आप समझ लीजिए ये एक बेहतर पेन किलर है, जो आप हार्ट पेशेंट को भी दे सकते हैं। उन मॉडरेट पेन रहता है ना, पैर में दर्द या एंजाइना पेन, इसको भी आप डॉक्टर के सुपरविजन के द्वारा आप दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इनके इमेजेस। अगर हम डोलोकाइंड प्लस के अदर ब्रांड नेम सब्स्टिट्यूट अगर बात करेंगे तो जीरोडॉल पी अवेलेबल है, हाइफिनेक पी अवेलेबल है, डोलोविन प्लस अवेलेबल है और ब्लू क्रॉस का डोलोस्टैट पीसी भी अवेलेबल है। सभी के अंदर सेम एसिक्लोफिनेक विद पैरास्टामोल 100 mg एसिक्लोफिनेक,
325 mg पैरासीटामोल को स्टोर करे रहते हैं ये सभी तमाम ड्रग दोस्तों। ये भी जो दोस्तों आप जो देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर एल्डोपर, ये भी इंडिया का एक सबसे ज्यादा फ्लोटिंग ड्रग है, फ्लोटिंग ब्रांड है। देखिए एल्डोपर मार्केट के अंदर जो पीली गोली हम कहलाते हैं, येल्लो कलर कैप्सूल, देखिए इट इज यूज टू ट्रीट डायरिया, डायरिया को ट्रीट करने के लिए अक्सर ये दिया जाता है। ओके देन ये जो है ना जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा फ्लोटिंग ब्रांड है दोस्तों, डिसेंट्री को बंद करने के लिए ये एल्डोपर को दिया जाता है दोस्तों। इसका आदर्श मतलब लोपरमाइड, इसका कंटेंट जो रहता है ना लोपरमाइड आपको टैबलेट फॉर्म में भी मिल जाएगा, कैप्सूल फॉर्म में भी मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, जब कोलेरा टाइम पे इसका इस्तेमाल बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा था इसका। और नेक्स्ट वन इज सम ऑफ द ओफ्लॉक्सिन विद ओरोनाज़ोल एंटीबायोटिक, उसके साथ ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, वो भी एक जनरल मेडिसिन है। अब के दौर में, पिछले के दौर में भी उसको भी मैं आपको बताऊंगा, उनके इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा। ये पता चल गया ना दोस्तों आपको एल्डोपर, ये भी इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग ब्रांड है। इसकी प्राइस अब आज की डेट में 4 रुपीज एक टैबलेट है दोस्तों। हाँ भाई, कौन नहीं जानता इसे ORSL को, पूरी दुनिया जानती है इसको। इट इज़ यूज टू हाइड्रेट द बॉडी, अगर आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड खत्म हो गया, मतलब जो सोडियम हो, पोटेशियम हो या पानी हो, किस तरह से ख़त्म होता है सर, डायरिया होने की वजह से जो बॉडी के अंदर फ्लूइड रहते हैं ना, वो फ्लूइड सभी फ्लूइड बॉडी से बाहर हो जाते हैं दोस्तों। ओके, इसलिए उन फ्लूइड्स को रिटेन करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए हम ORSL का इस्तेमाल करते हैं। जो आज मार्केट के अंदर इलेक्ट्रोबियान हो या ORSL एप्पल जूस हो, इलेक्ट्रोकेम हो, तमाम प्रकार के ब्रांड्स आपको नज़र आते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं उधर, आप इधर देख रहे हैं डायरिया या कोलेरा के समय दिया जाता है, तभी भी देते थे, आज भी दे रहे हो दोस्तों। अगर हम सफ़र में निकल गए तो इसका एक बैग में रहना ज़रूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुस्ताई को दूर करता है, जो आप बॉडी को मेन, देखिए बॉडी हाइड्रेट रहना है हमारी, बॉडी को हाइड्रेट रखता है। इसके आज प्राइस पाउडर की अगर हम बात करेंगे तो 4 रुपीज़ है, अगर उस लिक्विड की बात करेंगे तो 40 रुपीज़ है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें जनरल मेडिसिन की, उसके अंदर ओमेज भी आता है दोस्तों, ओमेप्रोजोल टू ट्रीट हाइपर एसिडिटी। अगर आपको एसिडिटी हो गया, बहुत सारी आपने ऑयल आइटम्स खा लिए या स्वीट आइटम्स खा लिए, तो अक्सर से बात है एसिडिटी होना कॉमन है। देखिए ये जो है ना ओमेप्रोजोल 20 mg हाजमा प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है ये ओमेज कैप्सूल, आपके हाजम प्रॉपर्टी को, मतलब डाइजेशन प्रॉपर्टी को हो या एसिडिटी को प्रिवेंट करता है ये ओमेप्रोजोल। सब्स्टिट्यूट देखिए दोस्तों, ओमी है, ओस्कार है, ओसिड 20 mg और दीगर टैबलेट मार्केट के अंदर अवेलेबल है दोस्तों। ओमी भी एक तरह की वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 2.5 रुपये या 2 रुपये के अंदर आज मार्केट में मिल जाएगी। उसका भी मैं स्लाइड इमेजेस आपको दिखाऊंगा दोस्तों। देखिए ये है, इनके भाई है, ये किनके भाई है, ओमेज के भाई है, सभी ओमेप्रोजोल 20 mg ओसिड, ओमी 20 mg, ओस्कार 20 mg, सभी ओमेप्रोजोल कंटेंट है, मतलब इनका प्राइस अलग है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग अलग रहता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो यही थी, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर आप वाकई इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा, ज़रूर लिखिए, इंशाल्लाह मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।